4 अप्रैल 2023 अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की न्यूयॉर्क के मैनहट्टन कोर्ट में पेशी हुई। पॉर्न स्टार स्टॉर्मी के साथ अफेयर और फिर उन्हें पैसे देकर चुप कराने के मामले में ट्रंप को हिरासत में लिया गया था। लेकिन ट्रंप के खिलाफ ये दर्ज कोई पहला मामला नहीं है। उन पर कुल 19 केस चल रहे हैं, जिनमें वित्तीय गड़बड़ी से पैसे कमाने, 2021 में कैपिटल हिल्स में हिंसा भड़काने, रेप, मानहानि और 2020 के राष्ट्रपति चुनावों में दखल अंदाजी करने के आरोप है। इसके अलावा ट्रंप पर व्हाइट हाउस के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को लीक करने का भी आरोप है। इन सब मामलों में ट्रंप के खिलाफ कई केस दर्ज हुए हैं, लेकिन सजा एक में भी नहीं मिली। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति ने सभी मामलों को खारिज किया है। कुछ मामलों को बंद कराने के लिए ट्रंप ने याचिका भी लगा रखी है, तो वहीं कुछ में उन्होंने काउंटर केस दायर किया है। लेकिन पॉर्न स्टार स्टॉर्मी का केस सबसे ज्यादा फेमस हुआ। स्टॉर्मी ने आरोप लगाया कि 2016 में राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले ट्रंप ने उन्हें चुप रहने के लिए करीब 1.7 करोड़ रुपए दिए थे। मामले को लेकर मैनहट्टन कोर्ट में ट्रंप की पेशी 1 घंटे तक चली, जहां उन पर 34 क्रिमिनल चार्ज लगाए गए। ट्रंप ने कोर्ट में कहा कि वो दोषी नहीं है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी।